हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3। एक्चुअल में ये लेक्चर नंबर हम 2 करते हैं इसको, क्योंकि ये लेक्चर जो 2 है वो पार्ट बी है। ठीक है, तो बेसिकली तो लेक्चर 3 होना चाहिए, पर मैंने लेक्चर 2 में आधा ही अलाउंसेस पार्ट करवाया था, वो पार्ट ए था, और ये पार्ट बी है लेक्चर 2 का। क्योंकि यहाँ पे आज हम करने वाले हैं रिमेनिंग अलाउंसेस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको अलाउंसेस कराऊंगा। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको नहीं करने हैं, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर कोई अलाउंसेस एक आधा इसमें मिस हो जाएगा, तो हम जो आगे के सम करेंगे, फुल सैलरी का सम करेंगे आगे, उसमें वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए डिस्कस करते हैं हमारा पार्ट बी, जो कि रहेगा स्पेशल अलाउंसेस के लिए। और पार्ट ए में मैंने हाउस रेंट अलाउंसेस और बाकी के जो टैक्सेबल फुली टैक्सेबल अलाउंसेस थे वो आपको अच्छी तरह से समझाया था। तो आज हम करने वाले स्पेशल अलाउंसेस। तो स्पेशल अलाउंसेस में क्या रहता है, उसमें आपको ये जो फर्स्ट यहां से लेके यहां तक जितने भी अलाउंसेस है, वो सारे अलाउंसेस क्या है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन कैश दे देता है। ठीक है, मतलब उनके सैलरी में प्लस कर देता है। फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं एम्प्लॉय पे करता है। अगर सपोज के एम्प्लॉयर ने कहा ये लो 1,000 रुपया फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और एम्प्लॉय का सिर्फ 900 रुपीज का खर्चा आया, अगर उसने वो 100 रुपीज रिटर्न कर दिए एम्प्लॉयर को, तो कोई इशू नहीं है। अगर वो 100 रुपीज अपने जेब में रख देता है, तो वो उसके सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब के जितना खर्चा उसको मिल रहा है और उसने जितना भी खर्चा किया, क्लियर, उसमें से जितना एडिशनल बच रहा है उसके पास, वो उसके सैलरी में टैक्सेबल होगा। क्लियर, तो ये सारे खर्चे उसी तरह से है। क्योंकि काफी बार ऐसा रहता है, जैसे सेल्समैन रहता है तो उसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। क्लियर, तो ट्रेवलिंग अलाउंस में क्या रहेगा, उसका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल रहेगा। तो बाकी का अगर सपोज कि उसको हमने कहा 5,000 ले लो और आप ये ट्रेवल इतना कर लो 5,000 में, और उसने कर भी लिया और उसका एक्चुअल खर्चा आया 4,000 रुपये, तो उसने 1,000 रुपीज रिटर्न नहीं किया। ठीक है, वो बेसिक उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि 5 से ऊपर आएंगे तो तू भी तुम्हारा खर्चा तुमको देना है, और कम आया तो तुम रख लेना। तो 5,000 में से 4,000 का एक्चुअल खर्चा आया, तो बाकी 1,000 का क्या होगा, उसकी सैलरी में टैक्सेबल होगा। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं रहता। क्लियर, ट्रेवलिंग अलाउंस रहता है, कोई भी एक्यूरेट अमाउंट नहीं बताएगा। मतलब अगर किसकी सैलरी टैक्सेबल में जा रही है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, उसको टैक्स भरने का आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ये चैलेंजिंग है, वहां पे मैं नहीं कह सकता कितना एक्यूरेट चलता होगा, लेकिन हमको बुक के हिसाब से चलना है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस समझ लो कि भाई जितना मुझे मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉय को मिल रहा है और एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है और एडिशनल बचा, तो वो उसके सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, बराबर। और डेली अलाउंसेस भी सेम टू सेम है। डेली अलाउंस क्या होता है कि डेली का डेली मिलता है, बराबर, एम्प्लॉय को मिलता है उसके रेगुलर टूर के खर्चों के लिए। मतलब वो कहीं भी बाहर टूर पे जाता है और उसको रेगुलर हम कुछ ना कुछ अलाउंस पे करते जा रहे हैं। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस जो रहता है, ये भी आपको इसी तरह से रहता है, एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटीज पे करता है कोई एम्प्लॉय, तो उसके बेसिस पे उसको जो भी एडिशनल पैसा मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेंस अलाउंस कहेंगे, हेल्पर अलाउंस कहेंगे। कि अगर कोई हायर ऑफिसर रहता है जैसे कि कंपनी का, बराबर, उसको कुछ काम अर्जेंटली आ जाता है, तो उसको अगर हेल्पर रखना हो तो वो हेल्पर अलाउंस भी मिलता है। एकेडमिक अलाउंस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म अलाउंस देख लेते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, आपको यूनिफॉर्म वर्ड से पता चल गया कि यहाँ पे क्या रहेगा,
It should be have been spent by employee for purchasing, maintaining office uniform for official duties. मतलब यहाँ पे 1,000 रुपए दे दिए एम्प्लॉय को कि कहा कि ये ड्रेस तुम हमारी कंपनी के सिलवा देना, और उसने 700 में सिलवाई तो बाकी का 300 उसका फायदा पड़ा, तो वो 300 रुपया क्या रहेगा उसका पूरा टैक्सेबल रहेगा इन सैलरी, बाकी 700 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर। अब कुछ खर्चे ऐसे रहते हैं जो कि एक लिमिट तक स्पेसिफाई है कि वो इतना ही एग्जेम्प्ट रहेगा, फिर एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो रहा है वो इग्नोर किया जाएगा। तो सबसे पहले वाला जो अलाउंस है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि वो 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मतलब के अगर मेरे 2 चिल्ड्रन है और मैंने 5,000 का एक्सपेंस किया अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, तो मुझे कितना मिलने वाला है 100 रुपीज पर मंथ, मतलब कितने महीने होते हैं 12, और मेरे चाइल्ड कितने हैं 2, तो 100 × 12 × 2 तो टोटल 2,400 रुपीज का मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, और बाकी का मेरा क्या रहेगा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बाकी का मेरा क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये 2 चिल्ड्रन भले एक एक महीने के हो, ठीक है, दोनों 1 महीने का हो और एक 2 साल का हो, भले स्कूल नहीं जाते तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा मुझे, बराबर, भले उन्होंने पढ़ाई कर ली है अभी तो, ओके, शादी भी हो चुकी है तो भी ये मुझे अलाउंस मिलेगा। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस पे 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सेम कंडीशन है पर मंथ 2 चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे कितना प्राइस है हॉस्टल अलाउंस का 300 रुपीज का है। क्लियर। बाकी ये टोटल एरिया वाला इतना और ये भी इतना काम का आपका नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मैं हैंडीकैप का है, अगर हैंडीकैप आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वर्ड आता है और हैंडीकैप वर्ड आता है, तो ये एमसीक्यू पे आ सकता है कि 3,200 रुपीज पर मंथ उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल एम्प्लॉय होगा ना, हैंडीकैप नहीं होता है मतलब, तो उसको फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ये देखो इस कंडीशन नो पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज कंसिडर एग्जाम, मतलब वो क्या रहेगा फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। बस इतने आपको अलाउंस समझने थे, बाकी हाई कोर्ट और ये सब जो है वो हाई लेवल पे है और ये हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर। तो हमारे सारे अलाउंसेस हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे एक पूरा कंसोलिडेटेड अलाउंस वाला एक इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस कवर हो रहे हैं वो 99% उसी में से ही एग्जाम में आता है, मतलब जो पूरा सैलरी का आपको सम आता है ना वो इसी अलाउंसेस में से आता है। 99.99% ले लो, 99.99% इसी अलाउंसेस में वो आपको पूछेंगे। तो चलिए ये अलाउंसेस को यूज करके हम कर्वे का निकालते हैं, टैक्सेबल सैलरी निकालना है हमको। देखो एक आता है ग्रोस सैलरी, एक आता है टैक्सेबल सैलरी, तो दोनों हमको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में वो लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, टैक्सेबल यूज कर रहे हैं कि ग्रोस कर रहे हैं। तो ग्रोस अगर कर रहे हैं तो वो डिडक्शन के पहले वाली सैलरी आती है, और टैक्सेबल बोले तो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो जिस पे टैक्स लगने वाला है वो सैलरी, जो मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बताऊंगा अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, मिस्टर कर्वे इज अ सेल्स मैनेजर एम्प्लॉयड बाय पैनासोनिक लिमिटेड एट बेंगलोर। द डिटेल्स ऑफ द सैलरी सॉरी द डिटेल्स ऑफ द सैलरी एंड अदर एमोल्यूमेंट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-24 आर एस अंडर। तो टोटल 11 चीजें हमको दी है, उसके बेसिस पे हमको टैक्सेबल सैलरी निकालना है। तो हेडिंग क्या देंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर करवेस, ये आपका हो जाता है इलस्ट्रेशन 10। कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर परवेज टैक्सेबल सैलरी असेसमेंट
यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर कौन सा आ रहा है, 23, 24, और असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा आपका, 24, 25। क्लियर? तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक सैलरीज जो 4,20,000 पर एनम है। तो पहला आपका आएगा बेसिक सैलरी जो कि 4,20,000 आपका रुपीस आता है। क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे डियरेंस अलाउंसेस, और वो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब ये वर्ड यूज किया है मतलब जब मैं हाउस रेंट अलाउंस निकालूंगा और उसमें जो सैलरी निकालता हूं मैं, वो 42,000 जो डियरेंस अलाउंस है वो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस का ध्यान नहीं आ रहा ये लेक्चर में, मतलब आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए नहीं देखा है, तो वो आप जरूर देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे आपका डीए कितना हो जाता है 42,000 का, और थर्ड आता है फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल। तो ये भी हमको एचआरए कैलकुलेशन करने के लिए यूज करेंगे। कमीशन वन लैख 75,000। फिर फोर्थ क्या दिया है उन्होंने, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस हमारा हो जाता है एचआरए। तो एचआरए मुझे मिल कितना रहा है, 60,000 मिल रहा है, और इसमें से मैं माइनस करूंगा एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट की कैलकुलेशन मैं करूंगा यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। तो एक्चुअल रिसीव्ड मुझे कितना हो रहा है, तो एक्चुअल रिसीव्ड हो रहा है ₹60,000, और सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे कर रहा है, 8,000 पर मंथ। तो 8,000 पर मंथ मतलब कितना हो गया, 12 करेंगे अगर साल का, तो 96,000 आ रहा है, और माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी अगर मैं कहूँ तो क्या क्या काउंट होगा, एक तो आपका 4,20,000 और 42, ये दोनों तो काउंट हो ही जाएंगे। 4,20,000 प्लस 42, और प्लस जो मेरा कमीशन फिक्स्ड वाला है वो भी आ जाएगा सेल पे, 1,75,000। तो ये तीनों प्लस करके मुझे उसका 10% करना है। तो 4,20,000 प्लस 42,000 प्लस 1,75,000, अब इसका करूंगा मैं 10%, तो 63,700। तो 96,000 में से माइनस करूंगा 67,300, तो 28,000, सॉरी मेरा कहीं मिस्टेक आया है, 96,000 माइनस 63,700, तो 32,300। ये हमारा सेकंड पॉइंट आया। आप थर्ड करेंगे 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि तो वो बेंगलुरु में है ना, देखो बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु में है तो वो तो 40% में आएगा। तो सैलरी तो हमने यहाँ पे निकाल ही दिया था ना, 4,20,000 प्लस 42,000 प्लस 1,75,000, तो 6,37,000 का 40%, तो 2 लाख, हाँ एक सेकंड, 6,37,000 40%, हाँ 2,54,000 और 800। तो इनमें से लीस्ट कौन सा है, 32,300, तो एग्जेम्प्ट एचआरए आपका कितना आता है, 32,300। तो बस ये 32,300 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो 60,000 माइनस 32,300 करेंगे तो 27,700 आपका रहेगा टैक्सेबल। अब फिफ्थ पॉइंट करेंगे हम, फिफ्थ
पॉइंट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो देखो ये जो कर्वे है वो हैंडीकैप तो है नहीं, तो हैंडीकैप नहीं है तो ये इसको कोई भी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो एग्जेम्पशन में नहीं आता है, तो वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो कितना है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 24,000 पर एनम। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट इन्होंने दिया है टावर, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस दिया है आपको, ट्रैवल है ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो 1200 दिया है ईच फॉर 5 ट्रिप, 5 ट्रिप के लिए उसने ईच ईच मतलब हर एक ट्रिप का 1200 रुपया, और उसका एक्चुअल अमाउंट स्पेंड कितना हुआ, 1000 पर ट्रिप हुआ है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं ट्रैवल अलाउंस, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 6000 आ रहा है बराबर। इसमें से लेस कर देंगे एग्जाम 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि उसने 1000 उसका खर्चा आ रहा है, तो 5000, तो 1000 रुपया बाकी क्या रहेगा उसको पास एडिशनल बचा, तो वो 1000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये ट्रेवलिंग का एक्सपेंस का था, ये भी हो गया हमारा। अब डेली अलाउंस, तो डेली अलाउंस उसको कितना मिल रहा है, 250 रुपीज पर डे का मिल रहा है टोटल 60 डेज के लिए, और एक्चुअल एक्सपेंस कितना आ रहा है, 9600। तो डेली अलाउंस कितना है उसका, 250 मल्टीप्लाई 60, तो 15000 का उसका खर्चा आ रहा है, और यहां पे करेंगे लेस एग्जेम्प्ट कितना, 9600, तो टैक्सेबल कितना हुआ, 5400 का। अब 8th पॉइंट, यूनिफॉर्म अलाउंस दिया है 1000 पर मंथ का फॉर परचेस एंड मेंटेनेंस, ठीक है, उसके जो भी यूनिफॉर्म है, और एक्चुअल अमाउंट उसने वो कितना खर्च कर रहा है, एवरेज रेट का अगर निकाले तो 750 रुपया पर मंथ वो चुका रहा है, तो बाकी का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस भी वो पार्शियली वाला है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस उसको कितना मिला, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12000 उसको मिला, 12000, और उसमें से माइनस करेंगे लेस 750 इंटू 12, 750 12 करेंगे तो 9000 वो खर्चा कर रहा है, तो बाकी का 3000 क्या रहेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस टैक्सेबल रहेगा। अब रिसर्च असिस्टेंट अलाउंस दिया है 6600 पर मंथ, और एक्चुअल आया है खर्चा 9000 ड्यूरिंग द ईयर, तो रिसर्च अलाउंस जो है वो 600 पर मंथ दिया है, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 7200 तो आपका एक्चुअल खर्चा आया है, मतलब एक्चुअल नहीं, अलाउंस आपको 7200 आया है और खर्चा 9000 आ गया है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है और मेरे पास मुझे मिला कम है, तो आपका जो भी एग्जम्पशन है वो आपके अलाउंस को इंक्रीज नहीं कर सकता, तो आप उतना ही एग्जम्पशन दोगे जितना आपको मिला है, ठीक है, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट का क्या करेंगे हम, तो बाकी का वो आप अपने एम्प्लॉयर से ले लेना, इसमें से लेस करेंगे एग्जम्पशन कितना आपका, एग्जम्पशन आपके अलाउंस से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा नील। अब 10th पॉइंट आपकी क्या दी है, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस दिया है आपको 9000 फॉर 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सबको पता है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 9000 हमें मिला है, और इसमें लेस कर देंगे एजम्पशन 100 रुपीज
पर टू चाइल्ड फॉर 12 मंथ्स, और 100 × 2 × 12 2400, और बाकी का आ जाएगा वो हमारा टैक्स 6600 का, 1000 हो गया। अब लास्ट मेरा जो अलाउंस आ रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो रहता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट रहता है 5000 तक। बाकी नॉर्मल एम्प्लॉय आप जैसे मेरे जैसे उसके लिए वो फुली टैक्सेबल रहता है। कितना दिया है? 12000 साल का। यहाँ पे जो मेरा सैलरी आएगा उसको मैं कहूंगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टोटल सैलरी कहूंगा, जीटीआई जिसको बोलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इस पे अभी टैक्स नहीं निकलेगा, इसके लिए इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रॉस गेन आई टू रिटर्न टैक्सेबल, मेरे मुंह पे टैक्सेबल वर्ड था, ग्रॉस टोटल सैलरी मतलब जीटीआई। जीटीआई के लिए तो इनकम यूज होगा ना, बट सैलरी नहीं आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सही है। तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, 4,20,000 प्लस 42,000 प्लस 1,75,000 प्लस 27,700 प्लस 24,000 प्लस 1,000 प्लस 5,400 प्लस 3,000 प्लस 6,600 प्लस 12,000, तो 7,16,700, ये आपका आ गया ग्रॉस टोटल सैलरी। ग्रॉस सैलरी आ गया 7,16,700। अब इसमें से तीन डिडक्शन माइनस होते हैं। पहला डिडक्शन आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 का आता है, उसके बाद एग्जेम्पशन आता है ये, तो ये हम आगे डिस्कस, देखो इन्होंने भी लिखा है डिस्कस लेटर, आगे हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप यहाँ पे अलाउंस निकालना था, ग्रॉस सैलरी हमने निकाल दी, उसके बेसिस पे वहां तक आपको समझना था। तो आई होप हमारा अलाउंसेस का जो पार्ट है पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे परपसेस, ठीक है? तो पर्क वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 2 का पार्ट ए पार्ट बी अलाउंसेस का है, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।